हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग में आ चुकी है एमटीएस की नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आए हैं, जो की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से एमटीएस की पोस्ट पे नई वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान भर्ती है। इसके लिए केवल आपको अप्लाई करना है, आपकी भी एग्जाम नहीं होने वाली है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, ना ही कोई आपसे एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए केवल 8वीं क्लास पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कम से कम मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो है कम से कम 8वीं क्लास का। और 8वीं क्लास के बाद अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, तब भी आपको केवल 8वीं के लेवल पर ही अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आपको यह फॉर्म कैसे भरना है, कब से कब तक इसके आवेदन चलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपसे शिकायत रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी हो, अप्लाई करें और सिलेक्शन पा सके। और दोस्तों, रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, यहां पर जो पोस्ट जारी की गई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की पोस्ट जारी की गई है, जो कि सबसे आसान भर्ती है। केवल आपको अप्लाई करना है, यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती है। केवल 8वीं क्लास से लेकर के 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल 8वीं क्लास के लेवल पर ही अप्लाई करना होगा। दोस्तों, इस फॉर्म को कैसे भरना है, आपको ये नौकरी पक्की कैसे मिलेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। एज लिमिट अगर आपकी है 18 से 45 साल, तो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम जो है 45 साल है। तो यहां पर सभी कैंडिडेट्स के लिए मौका है 18 से 45 साल की एज के क्राइटेरिया के लिए। और यहां पर ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों, हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है tipsworldbus.xyz। यहां पर आप जाकर के वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं हमारी सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। यहां पर भी आपको डेली बेसिस पे नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है, तो आज ही जानकारी लें और अप्लाई करें। दोस्तों, आप चाहे तो इन वेबसाइट को गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आप जैसे सर्च करेंगे, आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ बताया गया है शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी मिडिल क्लास पास। अगर आप 8वीं क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको कैसे भर के कहां पे जमा कराना है वो पूरी जानकारी आपको देंगे। चलिए हम सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं फाइनली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, जो कि गवर्नमेंट जॉब है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से। यहां पर जो पोस्ट जारी की गई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है। टोटल 411 पोस्ट यहां पर जारी हो चुकी है, जिसके लिए केवल आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा बाय पोस्ट ही। सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, यानी कि आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। वहीं दोस्तों, एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 45 साल है। इसके अलावा ICU में छूट है सरकार के नियम अनुसार। और एप्लीकेशन फीस जो है बिल्कुल फ्री है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट जो है बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है केवल 8वीं क्लास पास कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, या फिर अगर आप 10वीं 12वीं पास भी हैं तब भी आपको केवल 8वीं के आधार पर ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। वहीं दोस्तों, इसके आवेदन जो है 10 मई से शुरू हो चुके हैं, 31 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो 31 मई से पहले अप्लाई कीजिएगा और यहां से आप नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है, आप सीधा नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर आ चुका है
और यहाँ पर आपको वैकेंसी की पूरी जानकारी है, कौन कौन से डिवीजन से ये वैकेंसी है, सब डिवीजन क्या होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 411 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपके सामने मेंशन कर रखी है। आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास है, एज लिमिट जो है 18 से 45 साल है, और यहाँ पर आप जैसे सैलरी आपको कितनी मिलेगी, 4500 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी इनिशियली स्टेज पर। और दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के जो जमा कराना है वो साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर जो है आपको जाना होगा मल्टी टास्क वर्कर के लोक निर्माण के डिपार्टमेंट में, जो कि एचपी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जहां पर आपको ऑफलाइन हार्ड कॉपी या फिर जमा करा सकते हैं। आपको जाना होगा जो कंसर्न डिवीजन है, वहां पर आपको जाकर के आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं नेसेसरी वो आपको लेके जाने होंगे फॉर्म के साथ में, और वहीं पर ही आपको डिपार्टमेंट में जाकर के जमा कराने होंगे। ठीक है, 31 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। यहां पर आप देखते हैं सारी की सारी जानकारी, यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, और यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है दोस्तों, यहां पर नीचे आप आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको आपको डाउनलोड करना है, भर के आपको बताया अनुसार जमा कराना होगा डिपार्टमेंट में जाकर के। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करके भर के जमा कराना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहते हैं उनकी पूरी लिस्ट यहां पर दे रखी है, आप चाहे तो यहां से चेकआउट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं इस वैकेंसी के लिए वो आपको तैयार करने होंगे, जैसा कि आधार कार्ड क्या है, आपका एज प्रूफ क्या है, आपके पास में जो भी मार्कशीट है, आपके पास में जो मूल निवास है वो कहां का है, वो सारी जानकारी आपको देनी है। कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का वो लगाना होगा, 8वीं क्लास की मार्कशीट लगानी होगी, अगर आपके पास में बीपीएल कार्ड है तो वो आप लगा दीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं। और यहां पर आप देख सकते हैं सारी की सारी जानकारी ये दे रखी है कि आपको फोटोकॉपी लेके जानी है वहां पर, और जो भी अटेस्टेड है वो सारा प्रोसेस यहां पर मेंशन कर रखा है। तो अप्लाई करने से पहले आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा, आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा, वरना आपका पैसा समय वेस्ट हो सकता है। ठीक है, अप्लाई करने से पहले आपको इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी करनी होगी, जैसा कि आपका पूरा नाम, आपके पिताजी का, मदर का या फिर हस्बैंड नेम जो भी है वो आप डाल दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर क्या है आपका, सेक्स क्या है, मतलब कि मेल फीमेल या कौन सा आपका जेंडर है, आपका एड्रेस क्या है, एज लिमिट क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, कैटेगरी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी जानकारी आपको देनी है, और बताए हुए अनुसार आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। सारी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके अपने सिटी का और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके सिटी के आसपास की नई वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।